हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत पैचवर्क का डिजाइन लेकर के आई हूं और बहुत इजी तरीके से मैंने ये कटिंग करने के लिए समझाया है। आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे पैचवर्क कटिंग किया जाता है। और मैंने इसमें बताया है इस तरह से पैचवर्क में किस तरह से लैस लगा कर करके आप पूरे ड्रेस को खूबसूरत तैयार कर सकते हैं। इस पे भी लैस लग जाएगा। ओके दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर, वीडियो देखते हैं। और आप भी इस तरह से पैचवर्क कटिंग कर करके गले कुर्ती के डिजाइन को सजाएं और पहने। चलते हैं वीडियो की ओर। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पैचवर्क कटिंग सिखाने जा रही हूँ कुर्ती पे। ये पैचवर्क डिजाइन कैसे बनाएंगे और कैसे कटिंग करेंगे। आज सबसे पहले हम लेंगे लंबाई का, लेंगे पैचवर्क का लंबाई हम दोस्तों 14 इंच का लेंगे। ओके, 14 इंच का लंबाई लेंगे, 14 इंच का। और गले का 2.5 इंच पे लेंगे और आगे के गला तो ज़्यादातर दोस्तों 6.5 पे जाता है तो 6.5 पर ही लेंगे। ये 2.5 करेंगे और इसको इससे मिला देंगे और सुंदर से ये गोल गला का हम यहाँ पर शेप दे देंगे। ओके, अब पैचवर्क बनाना है दोस्तों तो यहाँ से ज़्यादातर सूट का कंधा कितना जाता है दोस्तों, अब रेडीमेड लुक बनाते हैं तो 6.5 पे जाएगा या तो 7 पे कंधा जाएगा। ओके, तो आप जहाँ से भी देते होंगे इस तरह से आपको आर्म होल देना होगा। मैं दिखाती हूँ, अच्छी तरह समझाती हूँ। 6 इंच पे मान लिया आर्म होल देते हैं और यहाँ से 1.5 इंच करके शेप देंगे। ओके, अब पैचवर्क किस तरह से कटिंग करेंगे, इन दोनों के हम जितना भी कंधा देंगे इन दोनों के बीच में, यहाँ से यहाँ 4 इंच कंधा है तो 2 इंच पे हम ये लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। 2 इंच पे करेंगे या तो 2.5 इंच पे करेंगे। ओके, तो हम ये 2.5 इंच पर लेके चलते हैं। दोनों के बराबर से 1/2 इंच आगे आपको करना है तो अच्छा पैचवर्क होता है। हाफ में भी जाता है मगर आप जितना भी इसका देंगे उसका आधा कर करके, मान लिया यहाँ पर कंधा कम दे रहे हैं 3.5 है तो 3.5 का हाफ कर करके 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके ये करना है। अब करना क्या है दोस्तों, यहाँ से सीधे लाइन हमको ड्रॉ कर लेना है और इसको इससे मिला लेना है। ओके, अब करना है देखिए दोस्तों, यहाँ से हम 3.5 इंच पे दाग लगाना है, ध्यान रखिएगा 3.5 इंच पे, और इसको कॉर्नर से इसको इस तरह से मिला लेंगे। ओके, अब देखिए मैं कटिंग करके दिखाती हूँ। ये हमेशा मैं बोलती हूँ फर्मा तैयार रखेंगे तो आपको कटिंग करना आसान होगा। ये फर्मा हमेशा पेपर पे, चार्ट पेपर पे कटिंग कर करके रखेंगे, जब भी ये बनाना होगा सेम रख कर करके पेस्टिंग काटेंगे, पेस्टिंग काट करके कपड़े पे रख करके पैचवर्क तैयार कर देंगे। तो फर्मा हमेशा तैयार रखे दोस्तों, जो लोग बुटीक चला रहे हैं या घर पे काम कर रहे हैं या खुद कपड़ा सिल रहे हैं तो ये फर्मा कटिंग बहुत जरूरत होता है, समय पर बहुत काम आता है। देखिए दोस्तों ये कट गया, अब गला कटिंग करेंगे। ये हो गया आपका फर्मा कटिंग। इसको क्या करना है दोस्तों, पेस्टिंग पे कटिंग करना है। ये तो मैं आपको पेपर पे कटिंग करके बता रही हूँ, आप ये पेस्टिंग पे कटिंग करेंगे और इसको कपड़े पे रख कर करके पैचवर्क का रूप में इसको आप काम करेंगे। ओके, आपको करना क्या है इसमें, यहाँ से जब भी कपड़े पे सिलेंगे तो पहले इसको हम यहाँ से यहाँ तक का सिलाई हम कर लेंगे। ओके, इसको भी यहाँ से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। पहले सिलाई पैचवर्क का किनारा पहले हम मोड़ लेते हैं, इसको भी इसको किनारा मोड़ लेंगे और इसको भी यहाँ मोड़ लेंगे। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, जो भी जिस भी ड्रेस में बनाना है, जैसे ये ड्रेस है तो ड्रेस में बनाना है तो ध्यान रखना है कि पैचवर्क हमेशा गला जब बनाते हैं तो आप गला जब भी बनाते हैं तो क्या करते हैं, उल्टा साइड से रख करके, सॉरी सीधा साइड से रख कर करके उल्टा की ओर जाते हैं। आप पैचवर्क हमेशा क्या करेंगे दोस्तों, कपड़ा उल्टा की ओर रख कर करके पैचवर्क, जैसे मैं एक कपड़ा हटाती हूँ, उल्टा की ओर इस तरह से रखेंगे दोस्तों और इस तरह से रख के यहाँ से यहाँ ऐसे सिलाई करेंगे। ये पेस्टिंग पे कटेगा,
इसके ऊपर एक और कपड़ा रखेंगे। कपड़ा रखने के बाद किनारा हम सिल लेंगे। किनारा सिलने के बाद हम ड्रेस पे रखेंगे, इस तरह से पैच पर करेंगे, फिर हम इसको सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद यहाँ हम कटिंग करेंगे दोस्तों, ये उल्टा साइड है। कटिंग कर करके इसको हम कपड़े को कट जब करेंगे, देखिए मैं बताती हूँ, इस तरह से रख रहे हैं ना दोस्तों, इसको हम सिलाई करेंगे। इस कपड़े को हम कट करके हटा देंगे, छोटा 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 कट मारेंगे। ध्यान रखना, कट हमेशा तिरछा कट लगाएंगे, सीधा कट लगाएंगे तो आपका कपड़ा फटने का चांस होता है। तो इसमें हमेशा जब भी हम ये करेंगे तिरछा कट, मैं बताती हूँ कैसे काटना है। ये छोटा सा, ये आप, मैं बता रहा हूँ इसका क्या यूज होता है। छोटा कटर लेंगे और सारे कपड़े में इस तरह से तिरछा कट गले में काटा जाता है, पूरा छोटा छोटा तिरछा कट। सिलाई के अंदर होना चाहिए, सिलाई के बाहर नहीं काटेंगे। तब आप जब पलटेंगे ना तो फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा कपड़े का। अब इसको हम पलट कर करके क्या करना होगा, जब ये कपड़ा पलटेगा तो सीधा साइड में ये मेरा पैच वर्क बन जाएगा। देखिए इस तरह से पैच वर्क, आप चाहे तो इसको फोल्ड कर सकते हैं दोस्तों। देखिए पैच वर्क इस तरह से रहेगा, आप चाहे तो इसको फोल्ड कर दे, नहीं अगर फोल्ड करना दोस्तों तो इसको सिलाई नहीं करना होगा। इस पर लैस भी लगा सकते हैं, जैसे मैं बताती हूँ लैस लगाने के लिए, लैस कैसे लगाया जाएगा। देखिए अगर आपको सिलाई नहीं करना है, लैस लगाना है दोस्तों, तो इस तरह से आप इस तरह से लैस पूरे पैच वर्क में आप लैस तैयार कर सकते हैं। लैस अपने पसंद के अनुसार से डालेंगे, ठीक है ना, इस तरह से ये लैस का यूज कर सकते हैं। और यही सेम चीज गला में भी लैस का यूज कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत ये बन गया। तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं दोस्तों। ओके चलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके बाय, टाटा।